लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे आप तो हमारे अपने चाचा जी हैं। आपका घर हमारा अपना घर। हाँ बेटा, हमारा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर हमारा घर है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर विवेक बाबू कहा है ना, इतने सारे लोग एक कोठी में जाके रहेंगे ना, तो सबके लिए असुविधा हो जाएगा। वैद्य जी, दादी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? दिन ब दिन उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। इनके इलाज के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाना होगा। किसके पास वैद्य जी, आप हमें बता दीजिए ताकि हम दादी माँ को लेकर जा सके उनके पास। आप लोगों को आगरा जाना। आगरा? ठाकुर जी ये दिन दिखावे के लिए मुझको जिंदा रखा ठाकुर जी, लोगों की जुबान तो चाकू छुरिया है, उनके बोल तो बंदूक और गोली। बुढ़ापे में कोई मोर कलेजे पे वार करे, कैसन सहन करूं ठाकुर जी। क्या हुआ अम्मा जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अब बतावे को कछु बचाना है बहुरिया, जितनी कालिक पूतनी थी पूत चुकी। पर हुआ क्या है अम्मा जी? अब कहा बतावे बहुरिया, कहा बतावे। हमरे दिन की शुरुआत तो हमरे वो कलमुई राधिका की शक्ल देख के होवे, तो कछु दिन में अच्छा हो सकत है का? हो सकत है? मंदिर मा मोको मोहल्ले की औरतें मिली रही, सभी राधिका के बारे में ऐसन ऐसन सवाल पूछ रही कि हम तो नजर तक ना मिला पाए। बस एक ही बात सोचती रही कि धरती फट जावे तो हम धरती माँ में समा जावे। अम्मा जी, क्या क्या कह रही थी औरतें? अब कहा बतावे विवेक बाबू, कहा बतावे। देव बाबू तो रहे नहीं, सब यही पूछ रहे कि किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र राधिका धारण किए हुए। इतने बड़े इल्जाम का कहा जवाब देती हम, कहा जवाब देती ठाकुर जी। हम यही प्रार्थना करत है, यही कहती रही कि ठाकुर जी घड़ी की सुई जल्दी से घूम जावे और हम जल्दी से घर पहुंच जावे। मैं तो सोचती थी कि ऐसी नौटंकियां सिर्फ हमारे यहाँ ही होती हैं, पर ये अम्मा जी तो नौटंकी करने में सचमुच सबकी अम्मा ने की। अम्मा जी, आप क्यों बाहर वालों की बातें सुनकर अपना जी दुखा रही हैं? आप तो सच्चाई जानती है ना, फिर आपने सबको सच्चाई बताकर उनका मुंह बंद क्यों नहीं कर दिया? सर, दिन जी किस किस का मुंह बंद करती? आज जो सवाल वो सब औरतें मुझसे पूछ ही रही, कल सगरा वृंदावन वही सवाल हमसे करेगा। कहा जवाब देंगी, किस किस को समझावेंगी? ऐसे बतावे, कैसे बतावे कि राधिका का मगज घूम गयो है और वो मानत ना है कि देव बाबू मर गए और उनके नाम का मंगल सूत्र धारण करके फिरे। आप तो समधन जी अतिथि हैं,
कुछ दिन रहेंगी और फिर चली जाएंगी। हमको तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। लोग ताने मार मार के मार डालेंगे हमको। बहुरिया पंखा दे, बहुरिया पंखा दे। ठाकुर जी मको उठाई लो, उठाई लो ठाकुर जी। आप लोग इतने विद्वान पंडित पुरोहित होकर भी कल की छोरी के वास्ते संसार के सगरे नियम तोड़ दिए। इतना बड़ा अनर्थ करने से पहले एक बार सोचा ना कि इसका परिणाम का होवेगा। देखिए समदन जी, एक विधवा विधवा के वस्त्र में ही शरीफ और भली दिखे है। अगर साज सिंगार करके घूमेगी तो लोग तो लांछन लगावेंगे ही। पर अम्मा जी, पंखा चला बहुरिया, पंखा चला। अभी कछु देर ना हुई है, हमरी मानो तो रोक लो उको। अब भी जो बची खुची इज्जत है वो नीलाम होने से रुक जाएगी। कहे देखे बहुरिया, पानी पिला मको, पानी पिला। रो रो के मोरा गला सूख गयो है बहुरिया। पानी माँ। बेटा अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पे रहने से शास्त्री परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी तो कभी नहीं आती यार, कभी नहीं। आज सोचती हूँ कि काश मैंने अपनी शादी में हार के रूप में मिले आगरा वाले घर को स्वीकार कर लिया। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता शास्त्री परिवार को, अपने दुखों का भागीदार तो नहीं बनाना पड़ता। जो परिवार आज तक दूसरों को आश्रय देता आया था वो आज स्वयं बेघर हो गया। लेकिन हाँ, ये आगरा वाला घर हमारा है, मेरा स्त्री धन। और जानता है, स्त्री धन एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए होता है। आज तक मुझे कभी अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ी बेटा, कभी नहीं। लेकिन आज आज मुझे चिंता हो रही, बहुत चिंता हो रही बेटा, बहुत चिंता हो रही। आगरा तो पहुंच गए और ये वैद्यराज की गली में भी आ गए। किसी से पूछ लेते हैं बेटा। भाई साहब तरीक सुनिए, ये राजवैद्य जी का मकान कहाँ पर है? आगे जाकर के दाहिने तरफ मुड़ करके कोने वाला जो मकान है ना, वो वैद्य जी का है। हाँ हाँ, धन्यवाद। राधे राधे। चल बेटा। राधे राधे। राधे राधे। राजवैद्य जी का घर यही है? जी यही उनका घर है। हमें उनसे भेंट करनी थी, हम लोग वृंदावन से आए हैं। हमारी माता जी अत्यंत अस्वस्थ हैं। हमारी इच्छा थी कि एक बार वैद्यराज उन्हें चलकर देख लेते। लेकिन वैद्य जी तो घर में नहीं है, दो दिन के बाद ही मिलेंगे। दो दिन के पश्चात? देखिए मेरी दादी माँ बहुत बीमार है और उनका इलाज अभी होना बहुत जरूरी है। हम वृंदावन से खास उन्हीं के लिए आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधा छोटा पोला के मेले में चले जाइए, वहीं उनका शिविर लगा हुआ है। परंतु ये छोटा पोला का मेला कहाँ लगा है? यमुना घाट चले जाइए, वहीं आपको पता चल जाएगा। जी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। गॉड कितनी गर्मी है, एक ग्लास ठंडा मिल्कशेक मिल जाए तो आराम है। रात से कुछ खाया भी तो नहीं, किसे कहूं।
गौरी किससे? कौन कैसे कंगलों के बीच फंस गए हम? एक नौकर? हनी दिस इज लिमिट, एक नौकर नहीं रख सकते ये लोग? चलो मृणालिनी खुद ही बना दो पड़ेगा। दूध कहाँ है? दूध कहाँ है? लगता है उस हिटलर बुढ़िया ने दूध भी किसी सीक्रेट लॉकर में छुपा के रखा। क्या ढूंढ रही हो महारानी? दूध ढूंढ रही, मिल्कशेक पीना है मुझे। दूध कहाँ है? अमीर घर की महारानी, दूध की गंगा बह है यहाँ, तो जब चाय डुबकी लगाई लो। आप पीवे का है मिल्कशेक? देवत है तू। हाथ तो सही महारानी, तो कुछ दूध देवत। हाथ तो छोड़। अरे आओ तो सही महारानी। अरे आ महारानी, अरे आ तो ले, निकाल ले दूध। इसका तो को मिलक सेक पीवे का है ना, यहाँ कछु फुकट ना मिले। लो मैं दूध निकालूंगी, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। का है? मेहंदी लगी है तोरे हाथ में। निकाल ले दूध, चल। ये बुढ़िया है या यमराज? कोई बात नहीं बुढ़िया, जिस दिन मेरा समय आएगा ना, गिन गिन के बदले लूंगी। मन ही मन का कोसे है। अरे महारानी यहाँ ऐसे ही दूध मिलेगा, ये लो। अरे पकड़ो पकड़ो ये और निकालो दूध। ये कितनी गंदा कचना। अच्छा चल चल निकाल ले दूध। अरे दूध निकालो, बैठो बैठो यहाँ, बैठो और निकालो दूध। अरे जाओ। हर चीज आसानी से ना मिले बहुरानी। क्या भयो? निकलो। मिलक से एक पीवे का है। ठाकुर जी। और दिस वुमन इज क्रेजी एवरीवन। पढ़ो, तुम यहां मजे से बैठकर अखबार पढ़ो। हाँ उस अम्मा ने मेरी ब्रेकिंग न्यूज बना डाली थी। तो देख मेरा मेरा दूध पीने का क्या मन किया। She took me to a cow. बोली ये रही गैया, निकाल लो दूध। मन तो किया था कि बाल्टी उसके मुंह पर फेंक के मार दूं, लेकिन तुम्हारे कुल की मर्यादा का ख्याल आ गया। लेकिन याद रखना अगली बार मैं कोई लिहाज नहीं करने वाली। यानी मृणालिनी और गाय का दूध निकालने माय पर। और कैसे तुम भूल रहे हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे मखमल के कपड़े में लपेट कर पाला, और इस माचिस की दप्पी जैसे घर में दब घुटता है मेरा। उस पर से एक गर्मी तो मैं सह कर भी लूं, लेकिन उस अम्मा के ताने, दो रोटी खाने के लिए कितनी बातें सुननी पड़ती। लेकिन राधिका जैसी गवार परिवार वालों से भले की उम्मीद करना भी बेवकूफी। गवारों के बीच में फंस गए हम। बंद भी करो ये सब कोसना। आज राधिका की वजह से ही हमारे सर के ऊपर छत है, समझी तुम? इतनी मुसीबत में भी हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और यदि तुम्हें सच में यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही है, तो चली जाओ वहाँ जहाँ तुम खुल के सांस ले सको। नहीं रोकूंगा तुम्हें। Thank you.
बहुत बड़ा मेला है। अरे भाई साहब, ये वैद्य राज प्रकाश जी का शिविर कहाँ लगा है? वहाँ ऊपर। धन्यवाद बेटा, राधे राधे। चल बेटा चल। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। बैठिए जी। धन्यवाद। हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? वैद्य जी, मैं वृंदावन से आया हूँ। वहाँ के वैद्यराज परमहंस जी ने मुझे आपके पास भेजा। अच्छा, परमहंस जी ने भेजा है आपको? अरे वो तो पुराने मित्र है हमारे। कहिए क्या कष्ट है आपको? वैद्य जी, दादी माँ बहुत बीमार है। वो अपनी वर्तमान की सारी बातें भूलकर अपने बीते हुए कल में जी रही हैं और सभी से उसी तरह की बात करती हैं। हम वृंदावन से खास आपके लिए आए हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी दादी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वृंदावन नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। हम किसी एक के लिए हजारों को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। वैसे हम बहुत आशा लेकर आए थे आपके पास, और हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। वैसे देखिए शास्त्री जी, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन इतने मरीजों को छोड़कर आपके साथ वृंदावन चलना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप मरीज को यहीं ले आते। परंतु वैद्य जी, हमारी माँ जी तो इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सकें। वो यहाँ कैसे आ पाएंगी? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। देखिए, आप इस तरह फिर से निवेदन करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा होगा अगर आप उन्हें आगरा ले आए हमारे पास, तभी हम उनका ठीक तरह से इलाज कर सकेंगे। क्योंकि जिस बीमारी के लक्षण आप बता रहे हैं उसके इलाज में तो महीनों लग सकते हैं। ठीक है वैद्य जी, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे जो भी आपने विवरण दिया है हमें, उसके अनुसार मैं आपको ये दवाइयाँ दे रहा हूँ जी। आप उन्हें दिन में दो बार दूध के साथ दे दीजिएगा जी। इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक आराम मिलेगा और यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी जी। वैद्य जी, आपकी दक्षिणा? शास्त्री जी, वो तो हम मरीज को ठीक करने के बाद ही लेंगे। धन्यवाद वैद्य जी, मैं अपनी दादी माँ को यहाँ लेकर जरूर आऊंगी। चलो, स्वस्थ रहे। शास्त्री जी, प्रणाम, कैसे हैं? पहचाना या नहीं? शर्मा जी। अरे नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हो राधिका बेटिया? अपने शर्मा जी है वृंदा। मैं इनसे थोड़ी वार्तालाप करता हूँ, तुम तनिक मेला देख लो। हम तो रहे रमते जोगी। हाँ,